नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संगीता त्यागी व्लॉग्स में। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए थोड़ा सा अलग वीडियो लेके आ गई। इस तरीका का वीडियो अभी तक मैंने अपने चैनल पर शेयर नहीं किया था, तो अभी मैंने कुछ शॉपिंग अपने लिए की थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं। करवा चौथ हो गया, दीपावली हो गया, नवरात्रि हो गए, तो ये सारे फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं। इसके लिए हम शॉपिंग करते ही हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने भी मंगाई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी मीशो से, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अगर आपको ये चीज़ें अगर पसंद आती हैं तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं विदाउट किसी डाउट के। तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की शॉपिंग। तो आज की हमारी फर्स्ट साड़ी है, ये पिंक कलर की बहुत ही अच्छी साड़ी है। इसको विदाउट किसी डाउट के आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो साड़ी है, यहाँ पर पूरी साड़ी पर बॉर्डर दिया होगा। पिंक कलर की साड़ी है, इसमें कोई कलर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा लहरिया है, इस तरीके का लहरिया ही बोलते हैं आई थिंक। तो ये देखिए, इस तरीके का बॉर्डर है, बॉर्डर में सीक्वेंस वर्क हो रखा है, साथ ही साथ थ्रेड का वर्क हो रखा है। आप पास से देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके का बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से काम हो रखा है इसमें। और चारों तरफ इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा आपको, सिर्फ टक इन वाला जो एरिया है वहाँ पर प्लेन है। तो ये देखिए, ये पूरी साड़ी है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से, और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। ये देखिए बॉर्डर जो है इस तरीके से है, बैक साइड ये है और फ्रंट साइड ये है, यहाँ इस तरीके से। और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, कोई भी हाइट वाला इसको परचेज कर सकता है। ये देखिए, ये वाला एरिया इस तरीके से प्लेन है यहाँ पर, और पूरे में आपका इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा। ये वाला नीचे वाला एरिया है, ये देखिए। और इसका ब्लाउज जो है वो इस तरीके से प्लेन ब्लाउज है, इसमें लहरिया नहीं है, कॉटन का ब्लाउज है, जिसको चंदेरी बोलते हैं आई थिंक, इस कपड़े को चंदेरी बोलते हैं। साथ ही इस तरीके का आपको बॉर्डर मिल जाएगा, जिसको कि आप अपनी स्लीव्स में यूज़ कर सकते हैं या फ्रंट या बैक में, कहीं भी जैसे आपको डिज़ाइन करवाना है उस तरीके से इस बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्लाउज़ की आप लेंथ देख रहे होंगे इस तरीके से, ये देखिए कितना लेंथ है, आई थिंक 80 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर इस तरीके से है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का कपड़ा भी बहुत अच्छा है। उस साड़ी का कपड़ा जॉर्जेट में है, बहुत ही अच्छा जॉर्जेट है, बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है। ये देखिए बहुत ही पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका लुकबुक आपको साइड पे दिख जाएगा, बट इसमें कलर सिर्फ यही है, कलर ऑप्शंस नहीं है इसमें। ये देखिए, तो एक तो हमारा ये वाला साड़ी हो गया, देखते हैं नेक्स्ट साड़ी है हमारे ये वाला साड़ी। तो ये सिल्क में साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। तो इस तरीके से ये देखिए, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, और इस तरीके से इस यहाँ पर ऊपर की तरफ इतना बॉर्डर मिल जाएगा आपको, और पूरी साड़ी में इस तरीके से बूटियाँ हैं, और नीचे वाला बॉर्डर आपको इस तरीके से इतना मिल जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा वाला। ये देखिए, ये नीचे की तरफ मिलेगा आपको, और पूरी ही साड़ी में इस तरीके से बूटियाँ बनी हुई हैं, और बॉर्डर भी पूरी साड़ी में है। तो बैक साइड में आपको इस तरीके से, बैक साइड में भी फिनिशिंग है, ऐसा नहीं है कि पीछे बहुत गचपच हो रहा हो। ये देखिए, बस ये इतना वाला पार्ट प्लेन है। साथ ही इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा है, ये देखिए ये इसका ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ में ऊपर और ये नीचे की तरफ बॉर्डर नहीं है, यहाँ साइड में दे रखा है इस तरीके से। जो ब्लाउज़ है वो साड़ी में ही अटैच्ड है इस तरीके से, तो आपको ये कट करना पड़ेगा इससे, और पूरा ब्लाउज़ है, अच्छे से ब्लाउज़ बन जाएगा, बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ बनेगा। ये वाला जो पार्ट है, इसको चाहे तो आप बॉर्डर में या स्लीव में कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो होगी ये साड़ी, और बहुत ही अच्छी साड़ी है, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है। नेक्स्ट साड़ी है हमारी ये वाला। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चुंदरी में साड़ी है, बहुत ही चुंदरी में जो भी साड़ी होती है बहुत ही अच्छा लगता है, चुंदरी प्रिंट वैसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें पूरा जरी वर्क हो रखा है, थ्रेड से गोल्डन थ्रेड है,
इस तरीके से इसमें एलिफेंट्स बना रखे हैं, बहुत ही अच्छा वर्क है। साथ ही साथ इस तरीके से इसके एजेस पर ये बॉर्डर दे रखा है रेड कलर का, साथ ही ये गोटे का काम हो रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, जॉर्जेट में है। साथ ही पूरी साड़ी में इस तरीके से आपको बूटियाँ मिल जाएंगी, ये देखिए इस तरीके से स्कर्ट एरिया में जो टक वाला एरिया है सिर्फ वही प्लेन है, तो यहाँ देखिए उसमें ये आपको बॉर्डर ज़रूर मिल जाएगा। ऑल ओवर साड़ी प्लेन है, सॉरी ये नीचे वाला है, ऊपर की तरफ जो टक वाला एरिया है वहाँ पर बॉर्डर नहीं है, प्लेन है, क्योंकि बॉर्डर होगा तो वो चुभेगा अगर आप इस तरीके से प्लीट्स बना के अंदर करते हैं तो। यहाँ देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर साड़ी है, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। और इसका ब्लाउज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ब्लाउज़ है वो कंट्रास्ट कलर में है, रेड कलर का ब्लाउज़ है, बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है, ये देखिए इसका चंदेरी में जो बोलते हैं, और शाइन वाला कपड़ा है, बहुत ही सुंदर है। और इसमें आपको बॉर्डर मिल जाएगा थोड़ा सा, जिसको कि आप अपनी स्लीव्स में या जैसे आप डिज़ाइन करवाना चाहें उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी थ्रेड वर्क हो रखा है गोल्डन कलर से, और इसमें एलिफेंट्स बन रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारा लगेगा, ये देखिए क्योंकि कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो हो गई, और नेक्स्ट है हमारा ये ब्लाउज़। तो ये जो ब्लाउज़ है ये भी बहुत अच्छा है, जो इसका फैब्रिक है वो देखना वेलवेट टाइप से, ये देखिए वेलवेट में है, और इसमें इसमें भी सीक्वेंस वर्क हो रखा है, साथ ही थ्रेड वर्क है, और ये ज़रा भी चुभता नहीं है, बहुत ही अच्छा वर्क है। और ये जो साइज़ मैंने मंगाया है ये है 34, तो यहाँ पर मुझे 32 नहीं मिला था इसलिए मैंने 34 मंगवा लिया, बट ये भी ठीक आ रहा है, थोड़ा सा लूज़ है तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये इसकी स्लीव्स हैं, ये आपके एल्बो तक आएंगी, यहाँ तक ये मैंने पहन रखा है ब्लाउज़, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी इसकी नीज मतलब जो स्लीव्स हैं कितने आ रही हैं, फिटिंग बहुत अच्छी है। और सकते हैं इस तरीके के ब्लाउजेज़ आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि हमें क्योंकि इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो ब्लाउज़ स्टिच नहीं हो पाते। तो आप इस तरीके के अगर ब्लाउज़ अपने पास रखते हैं तो आप किसी भी साड़ी के साथ उसको पहन सकते हैं, तो इससे साड़ी का लुक भी बहुत अच्छा लगता है, तो इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। इन सारी साड़ियों के लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आपको कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो चलिए यहाँ पर मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो एंड करने से पहले अगर इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो और भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लाइक सूट हो गया, टी शर्ट्स हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है तो टॉपिक मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे।